इस मूवी की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस को दिखाते हुए की गई है, जहाँ पर दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं और वहाँ एक फीमेल एक्सपर्ट भी होती है जिसका नाम लॉरेल होता है। वो लोग कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक सोप एंड क्रीम की बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमें अपनी क्रीम कब लॉन्च करनी है। यहाँ पर ये जानते थे कि इन प्रोडक्ट्स के एम्बेसडर लॉरेल होती है, और इसके बाद इस ब्रांड का एम्बेसडर किसी लड़के को बना दिया गया। और इवन यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि उन प्रोडक्ट्स पर पिक्चर्स भी उस लड़के की लगेंगे, ना कि लॉरेल की। उसकी वजह से लॉरेल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उस बात को वो फील नहीं होने देती, क्योंकि वो जानती है कि ये क्रीम बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। फिर जो दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट होता है, जो कि इस कंपनी का ओनर भी होता है, वो एक लड़की को जिसका नाम पेशेंट था, उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत डांटता है। और यही लड़की मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। वो ब्यूटी एक्सपर्ट पेशेंट को कहता है कि मैंने इस क्रीम को बनाने में काफ़ी पैसा लगाया है, और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इस डिज़ाइन के बॉक्स में अपनी क्रीम को लॉन्च करूं, इसलिए तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है कि तुम मुझे अच्छे से अच्छी डिज़ाइन बनाकर दिखाओ, और अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम इस जॉब को स्किप कर सकती हो। पेशेंट इस बात पर एग्री हो जाती है और वो बॉक्स के डिज़ाइन बनाने में बिजी हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है, और वो ये समझती है कि ये बिल्ली वहाँ पे फंस गई है, इसीलिए वो उस बिल्ली की हेल्प करने ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन उसी कोशिश में उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन वो एसी के सहारे वहाँ लटक जाती है, खुद को बचा लेती है। यहाँ पर वो डर जाती है क्योंकि वो लटकी हुई होती है, लेकिन एक डिटेक्टिव जिसका नाम टॉम होता है, उसकी नज़र उस पेशेंट पर पड़ती है। वो उसको लगता है कि ये लड़की वहाँ से सुसाइड कर रही है, और इसीलिए वो उसको बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बात करते हैं, लेकिन फिर पेशेंट को याद आता है कि उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया था, और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन जल्दबाजी में वो अपना पर्स गिरा देती है, जिसे टॉम उठा लेता है, और वो पेशेंट के पीछे पीछे ऑफिस पहुँच जाता है, और वहाँ पर वो पेशेंट से मिलता है और उसे वो पर्स देता है। वो लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और फिर वो दोनों डिनर का प्लान करते हैं, और फिर टॉम वहां से चला जाता है। पेशेंट काफी मेहनत करने के बाद डिजाइन रेडी कर लेती है, फिर वो अपने बॉस के असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम इस डिजाइन को बॉस तक ले जाओ, लेकिन वो असिस्टेंट कहता है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, तुम खुद ही इस डिजाइन को बॉस के पास ले जाओ। फिर पेशेंट उसी लोकेशन पे पहुंचती है जहां पर ये क्रीम बनाई गई थी, जहां इसे लॉन्च करना था। वहां पर एक साइंटिस्ट होता है जो इस क्रीम पर काम कर रहा होता है, वो उस क्रीम के कुछ सीक्रेट्स बता रहा होता है। वहीं पर लॉरेल भी होती है। वो साइंटिस्ट कहता है कि ये क्रीम अभी मुकम्मल नहीं हुई है और इसमें बहुत कमियां हैं, और इसे हम अभी लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्रीम को अगर किसी ने लगाया तो उसकी स्किन खराब हो जाएगी। लॉरेल को ये कहते कहते वो कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है। वो बताता है कि इस क्रीम को लगाने के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लोगों को ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ, ना कि उनको नुकसान पहुँचाता हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह अभी लॉन्च हो। ये सारी बातें पेशेंट भी सुन रहती है, और तभी पेशेंट किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिससे कि एक आवाज़ आती है, और वो समझ जाते हैं कि कोई उनकी बात सुन लिया है। तभी पेशेंट वहाँ से भागने लगती है और एक टनल में जाके छिप जाती है, मगर लॉरेन पेशेंट को देख लेती है। और जब लॉरेन को पता चलता है कि वो पेशेंट किसी टनल में छुपी है, वो उसका गेट बंद कर देती है और उसमें पानी ऑन करवा देती है, और पानी के पूरी तरह से भर जाने की वजह से पेशेंट मर जाती है, और वो किसी समुंदर में जाकर बह जाती है। मगर उसे एक बिल्ली उसकी बॉडी को एक किनारे पर ले आती है, और वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ मिलती है, उसमें से एक बिल्ली उसके बॉडी को लिक करती है, और देखते ही देखते पेशेंट की आंखों का साइज बड़ा होने लगता है और पेशेंट जिंदा हो जाती है। ये काफ़ी हैरानी की बात होती है कि एक छोटी सी बिल्ली पेशेंट को जिंदा कर देती है। मीनवाइल पेशेंट दूर की चीज़ों को अच्छे से देख रही थी, और वो छोटी छोटी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से देख पा रही थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है और अपने घर की ओर जाने लगती है, क्योंकि उसके पास 12 घंटे ही थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ऑफिस पहुंचती, टाइम हो चुका था और उसके बॉस ने उसे काम से निकाल दिया था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर उसे टॉम की याद आती है, और उसे याद आता है कि आज हमने डिनर पर जाने का प्लान किया था, और इसलिए पेशेंट एक कॉफ़ी मग पर सॉरी लिखती है और टॉम के पास जाती है, और वो वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। और यहाँ पर पेशेंट को फील होता है कि वो पहले से ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल हो गई है, और फिर वो अपने घर पर उसी कैट को देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी।
और उसे ये लगता है कि इन सारी पावर्स उसे ये कैट ने ही दी है। फिर वो उस कैट के गले से उसका बेल्ट खोलती है और उस कैट की ओनर का एड्रेस लेती है, और तभी उसे कैट की ओनर उसे बताती है कि ये कोई मामूली कैट नहीं है, ये कैट किसी भी मरी हुई लड़की को ज़िंदा कर सकती है। और फिर पेशेंट को पता चलता है कि इसी कैट ने उसे ज़िंदा किया था, और फिर कैट की ओनर एक मास्क देती है और उसे कहती है कि तुम इन पावर्स का सही इस्तेमाल करना। फिर पेशेंट अपने घर चली जाती है और तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो अपनी फ्रेंड को अपने और टॉम की सारी बातें बता देती है। और फिर उसकी फ्रेंड उसे एक गिफ्ट करती है जिसमें एक कैट ड्रेस होती है। तभी वो टॉम से मिलने जाती है एक बाइक पर और उसने वही कैडरेक्स पहनी होती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे होते हैं। तभी पेशेंट उन्हें बहुत मारती है और इन ज्वेलरीज को अपने घर ले आती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो ये रियलाइज़ करती है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे ज्वेलरी अपने घर नहीं लाने चाहिए थी। वो एक नेकलेस अपने पास रखती है और सारी ज्वेलरीज एक एनवेलप में डालती है और उसमें सॉरी लिखकर भिजवा देती है पुलिस स्टेशन में। फिर वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद भी वो लोग उसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो उसी लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर ये क्रीम बनाई जा रही थी। इस बार वो मास्क एंड कैट मूवमेंट के ड्रेस पहनकर वहाँ जाती है और वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है वो साइंटिस्ट की डेड बॉडी देखती है, और तभी एक गार्ड आ जाता है और उसे लगता है कि पेशेंट ने ही इस आदमी को मारा है। और फिर वो गार्ड अलार्म को ऑन कर देता है जिससे कि और भी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी मिलकर पेशेंट पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। और वो फिर लॉरेल के पास जाती है जो उसे बताती है कि बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट्स इस क्रीम को लॉन्च करना चाहते हैं ये जानते हुए कि इस क्रीम में साइड इफ़ेक्ट्स है। और यहाँ पर उसे ये महसूस होता है कि लॉरेल उसके साथ है और वो इन ब्रांड एम्बेसडर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। वो दोनों यहाँ पर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। और फिर लॉरेन पेशेंट को एक फ़ोन देती है ताकि वो एक दूसरे से कभी भी बात कर सके। और फिर जब टॉम अपने काम पर होता है उसे वही कॉफ़ी मग नज़र आता है जो उसे पेशेंट ने सॉरी लिखकर दिया था, और तभी वो एनवेलप देखता है जिसमें सेम सॉरी लिखा हुआ था जैसा किफ कॉफ़ी मग में लिखा हुआ था। उन दोनों सॉरी को कंपेयर करने लगता है और उसे पेशेंट पर शक हो जाता है कि शायद ज्वेलरी इसी ने चुराई होगी और सॉरी लिखकर पुलिस स्टेशन भेज दिया होगा। और फिर वो पेशेंट को मिलने जाता है, वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब पेशेंट सो रही होती है वो पेशेंट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करता है, वो एक ग्लास को चुरा लेता है और अपने साथ ले जाता है। और थोड़े ही देर बाद लॉरेन का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट्स के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया है। और ये सुनकर पेशेंट तुरंत लॉरेन के घर के लिए चली जाती है और इस बार भी वो पूरे कैट वूमेन के गेटअप में वहाँ जाती है। तब लॉरेन उसे कहती है कि सोफे के पीछे तुम्हें सारे एविडेंस मिल जाएंगे। ये सुनकर पेशेंट तुरंत कुछ सोफा के पीछे देखती है, लेकिन उसे उन दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स की डेड बॉडी दिखती है और उन डेड बॉडीज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी बिल्ली ने मारा हो। और लॉरेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस क्रीम के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मगर ये जानते हुए भी मैं उस क्रीम को लॉन्च करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ अपने सक्सेस और मनी से मतलब है और मुझे उस दिन पता चल गया था कि तुम सब कुछ जानती हो और तुम इस क्रीम को लॉन्च होने नहीं दोगी, और इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और अब तुम इन साइंटिस्ट के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जाओगी। और ये कहते हुए वो अपने घर का अलार्म बजा देती है। तभी सारे गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं और सभी पेशेंट पे गोलियाँ चलाने लगते हैं। पेशेंट खुद को बचा के कैसे भी करके भागने लगती है और फिर वो टॉम से मिलती है और वहाँ पर वो टॉम से फाइट करने लग जाती है और वो टॉम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है और उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर टॉम उसी ग्लास पर लगा हुआ लिप प्रिंट और अपने फेस पर लगा हुआ लिप प्रिंट मैच कराता है और वो दोनों लिप प्रिंट मैच हो जाते हैं। और यहाँ पर पेशेंट के खिलाफ टॉम को एविडेंस मिल गया था और वो पेशेंट को अरेस्ट कर लेता है। और फिर पेशेंट उसे बताती है कि हाँ मैं ही कैट वूमेन हूँ, लेकिन मैंने उन साइंटिस्ट को नहीं मारा। लेकिन लिप प्रिंट और राइटिंग मैच होने की वजह से टॉम उसे जेल में डाल देता है। और फिर पेशेंट एक कैट को वहाँ देखती है और वो देखती है कि वो कैट रॉड के बीच से आ सकती है। वो सोचती है कि अगर वो कैट उस बीच से आ सकती है तो मैं भी वहाँ से निकल सकती हूँ, और इसी तरह वो भी वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ से वो सीधा लॉरेन के पास जाती है। वो लॉरेल को कहती है कि तुम इसे लॉन्च मत करो, मगर लॉरेल उसकी बात नहीं सुनती और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। वहाँ पर टॉम भी पहुँच जाता है और वो सारी
कन्वर्सेशन सुन लेता है और वह सारी स्टोरी समझ जाता है कि पेशेंट गलत नहीं है, गलत लॉरेल है। फिर लॉरेल और पेशेंट बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, जहाँ पर लॉरेल बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वहीं पर टॉम भी होता है और वो पेशेंट को कहता है कि दुनिया की नज़र में कैट वुमेन ने उसे मारा है, पेशेंट ने नहीं, क्योंकि पेशेंट तो अभी जेल में है। और पेशेंट टॉम की बात समझ जाती है और वो जेल में घुस जाती है और फिर पेशेंट को बेकसूर साबित करके छुड़ा लिया जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप और भी वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।